एस्ट्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मोबाइल की फोटो से वशीकरण कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, जब हम बात करते हैं वशीकरण शब्द की तो इसे साफ समझ में आता है किसी को अपने वश में करना, अपनी ओर आकर्षित करना, किसी पर अपना नियंत्रण कायम करना। इंसान ऐसा अक्सर तब करता है जब वो किसी को पसंद करता है लेकिन सामने वाले की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो दोस्तों वो वशीकरण का सहारा लेता है। मोबाइल की फ़ोटो से वशीकरण एक दिमागी खेल है। इसके माध्यम से उस इंसान के मन को नियंत्रित किया जाता है जिससे आपकी भावना जुड़ी होती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं मोबाइल की फ़ोटो से वशीकरण करना तो आपको फ़ोटो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल में दोस्तों फेसबुक से कहीं से भी आप फोटो लेकर उसका वशीकरण कर सकते हैं। मोबाइल से वशीकरण मंत्र है दोस्तों, हनुमत वीर गेरा गेरा दयालु, उसका जिबरान हमारे पास है। फूल फूल फले न जानी, सोती हुई तो उठाए ले आवे। ये मंत्र है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि जिसको अपने वश में करना चाहते हैं उसकी फ़ोटो आपके पास नहीं है, ऐसे में मोबाइल की फ़ोटो द्वारा वशीकरण किया जा सकता है। पर इसको करने से पहले आपका मन पूर्ण रूप से शांत होना चाहिए। मोबाइल फ़ोटो द्वारा वशीकरण मंत्र का उपचार तब ही कर पाएंगे जब सामने वाला व्यक्ति आपकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा हो। मोबाइल की फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए, एकदम से रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए, साफ़ सुथरी फ़ोटो होनी चाहिए। तो दोस्तों मंत्र है, उसका प्रयोग जरूर करें। जो मंत्र बताया है 108 बार उसका प्रयोग करें। शुक्रवार या शनिवार के दिन ही करें, रात्रि के 12 बजे या सुबह 4 बजे ही करें। साफ सुथरे कपड़े पहनकर, आसन लगाकर, सच्चे मन से ही आप जाप करें। वीडियो को देखने के बाद हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।